नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। भव राजभव जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने का मुद्दा राज्यसभा सांसद श्री सकलदीप राजभव ने राज्यसभा में बहुत जोरदार ढंग से उठाया है। राज्यसभा जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, श्री सकलदीप राजभव ने विस्तार से राजभव जाति के परिस्थितियों पर विचार डाला और अब तक इस संबंध में हुई कार्रवाई से सदन को अवगत कराया। श्री सकलदीप राजभर ने सरकार से जोरदार शब्दों में मांग की है कि अतिशीघ्र भव राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर लिया जाए। साथियों, विस्तार से इस विषय पर बात करते हैं। पहले आप माननीय श्री सकलदीप राजभर द्वारा राज्यसभा में दिया गया वह भाषण अक्षरशः सुनवे जो उन्होंने सदन की कार्रवाई में अपने विचार व्यक्त किए हैं। श्री सकलदीप राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय जी, आपका ध्यान दशकों से चली आ रही भर राजभर जात को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए विषय में आकृष्ट करना चाहता हूँ। महोदय, भर राजभर जात उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुख्यतः 25 जनपदों में निवास करती है, जिसका शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी एकमात्र अंग्रेजों के काले कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को हटाकर 1952 में तत्कालीन सरकार द्वारा डिनोटिफाइड अर्थात जन्म से क्रिमिनल न होने की कागजी कार्रवाई की गई। समय समय पर सभी राजनीतिक दलों ने भर राजभर जात के प्रतिनिधियों द्वारा इनको अनुसूचित जात में शामिल करने के लिए प्रयास किया जा करता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि देश में सभी दबले कुचले लोगों के सर्वाधिक विकास और गैर बराबरी को समाप्त करने तथा जात पात और परिवारवाद को दरकिनार कर राष्ट्र हित में सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना की है और इसी विचार के चलते हम भर राजभर जात के लोगों का विश्वास बना है कि भारतीय जनता पार्टी हम भर राजभर जात के लोगों के सर्वाधिक विकास के लिए यथासंभव ये सरकार सभी कदम उठाएगी जो राष्ट्र हित में हो। इसी क्रम में सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक रीट पटिशन संख्या 2021 दिनांक 11/3/2022 को एक दिशा निर्देश जारी किया है कि भर राजभर जात को अनुसूचित जनजात में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार 2 माह के भीतर कोई ठोस कदम उठाए। अतः आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देश के अनुसार भर और राजभर जात को अनुसूचित जनजात में शामिल करने के लिए सार्थक कदम उठाने एक संबंधित मंत्रालय तथा सहित उत्तर प्रदेश राज्य को भी दिशा निर्देश देने की कृपा करें ताकि भर राजभर जात को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सके, जिससे इस जाति का सर्वाधिक विकास हो सके और आप बढ़ चढ़कर योगदान जय। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और राजभर समाज के आरक्षण से आप सहमत हैं तो हमें कमेंट अवश्य करिएगा और आरक्षण से अगर सहमत हैं, जनजाति में राजभर जाति को शामिल किया जाए इससे सहमत हैं तो एक लाइक बनता है। साथियों, आपको लाइक शेयर और हमारे चैनल पर मेहमान हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।